going to prepare mixed fruit jam. So here is my basic preparation. मैंने यहाँ पे 1/2 kg पपाया लिया है, 4 bananas and 4 oranges, और ये 1 bowl green grapes हैं, और यहाँ पे 2 big apple है. तो मैंने इनको roughly chop करके रख लिया है और मैं अब इन सभी को mixer grind में grind कर लूँगी. तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको आपको मिक्सर जार में पीस कर दिखाती हूँ. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ हमारे ऑरेंजेस, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. तो मैंने इसको निकाल लिया है, ये है ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ठीक है. इसमें एप्पल को डाल रही हूँ, मैंने इसको बना लिया है, मैं एप्पल डाल रही हूँ. और ये अब बनाना पापा डालेंगे बाद में बेटा. तो मैंने एप्पल और थोड़े से बनाना को कर लिया है, अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ इसको भी. ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेज़रमेंट के हिसाब से मुझे शुगर का थोड़ा आइडिया रहेगा. अब मेरे बच्चे हैं हमारे पास, बनाना और पपाया, तो मैं इसको भी पीस लेती हूँ. तो ये रहा हमारे मिक्स फ्रूट का पल, और अब मुझे इससे थोड़ा सा कम मैं शुगर लूँगी, जो इसमें इतना पूरा क्वांटिटी हाफ ऑफ क्वांटिटी नहीं रखूँगी. सो मैं इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने का ट्राई करूँगी. तो चलो लेट्स बनाते हैं. तो मैंने इसको अभी कढ़ाई में डाल दिया है, सो इट्स गोइंग टू बॉयल नाउ. एंड अब मैंने यहाँ पे जो लिया है, मैं इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने का ट्राई करूँगी. तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए हैं सिनेमन के, जिसको हिंदी में दालचीनी कहते हैं, और ये है 5 इलायची, जिसको मैं अभी कूट कर निकाल लूँगी इसके सीड्स को और पीस लूँगी. और ये मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा लेमन, ओके. और ये मैंने जैगरी लिया है और थोड़ा सा शुगर, तो मैं इसको हाफ ऑफ क्वान्टिटी में डालूँगी. तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी. ये जैगरी इतना, और थोड़ा सा शुगर, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है. मैंने ये पूरा थोड़ा सा खाली था, बट मैं इतना ही डालूँगी इसमें, ये जैगरी एंड शुगर, क्योंकि इसमें जैम में थोड़ा शुगर ज़्यादा ही पड़ता है, बट मैं उतना नहीं डाल रही हूँ, मैं 50%. एंड ये तो बस ये थोड़ा सा बॉयल होता है, मैं फिर इसमें डालती हूँ शुगर को, क्योंकि इसको हमें थोड़े टाइम के स्टोर करने के लिए भी रखना होता है, तो इसमें शुगर ज़्यादा है. तो ये है इलायची को मैंने पीस लिया है, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ. शुगर को मैंने डाल दिया है और दालचीनी को भी ऐड कर दिया है. फाइनली हमारा मिक्स फ्रूट जैम रेडी है. मैंने इसमें कोई भी फूड कलर, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी ऐड नहीं किया है, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. एंड सो आफ्टर इज गेटिंग कूल,
उसके बाद मैं इसको फिल करके बॉटल में, ग्लास के जार में रख दूँगी। इसको आप अगर बाहर रखते हैं तो इसको आप बाहर रखते हैं तो आप इसको 1 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। एंड आप अगर इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये आप 3 to 4 months तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इट्स वेरी हेल्दी एंड इस टेस्ट इज़ वेरी यम्मी। सी द कंसिस्टेंसी, फाइन, थैंक यू।